रीवा में कई सालों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रोजगार की मांग की और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने मध्यप्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आश्वासन देने के अलावा कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं कर रही। वहीं कोरोना महामारी का बहाना बनाकर भर्ती प्रक्रिया रोकी जा रही है। रीवा जिले में आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने अपना आक्रोश प्रदर्शन करते हुए रीवा कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि लगातार कई वर्षों से आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं के मन में रोजगार को लेकर बेहद आक्रोश है। इन युवाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और मेन गेट तोड़कर कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर पहुंच गए। बेरोजगार युवाओं ने बताया कि वह लगातार आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं की जा रही है। कोरोना महामारी का रूप देकर भर्ती प्रक्रिया रोक दी जा रही है, जिस कारण बहुत से युवाओं की उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी तक आर्मी की भर्ती नहीं की गई है। जिडारों की भर्ती कराई जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे यही माननीय शिवराज जी से, मामा जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द जबलपुर जिडारों की भर्ती और नोटिफिकेशन जारी की जाए। रीवा कलेक्टर इलैया राजाठी ने बताया कि युवाओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार के समक्ष बात को रखा जाएगा। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की जा रही है। नहीं नहीं, एक हमारी बहुत सारे, वैसे रीवा जिला में से बहुत सारे सैनिक है ना, इंडियन आर्मी में ना काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल है ना फोर्सेस में है, तो लगातार है ना हमारे बच्चे ना इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, उनका डिमांड है कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है ना होना चाहिए, बट डेफिनेटली कुछ दिनों में ना कोविड के कारण भी है ना, और भी वजह से ना, मतलब रिक्रूटमेंट रैली इस रीजन पर आयोजित नहीं हो रही है, बट वो हम लोग प्रशासन लगातार है ना उनकी प्रशासन के साथ भी है ना संपर्क में है। मेरा बात भी हुई है, हम लोग है ना सहमत भी व्यक्त किए हैं, मतलब है ना रिक्रूटमेंट रैली आयोजित करने के लिए, तो हम लोग है ना और भी टच में रहेंगे। ठीक है, सो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी है ना जारी रखें, जरूर प्रशासन की ओर से तो कोशिश किया जाएगा। हाँ जी, जे डारो जबलपुर से संबंधित सेना की जो भर्ती होती है जोनल वाइज, उसी को लेकर के यहाँ पर कुछ छात्र आए थे 100-150 की संख्या के आसपास, जिनके द्वारा उपद्रव भी फैलाया गया और अव्यवस्था भी फैलाई गई, और समझाइश देने के बाद भी गेट पर, कलेक्ट्रेट गेट पर ये ऊपर चढ़ गए और लात मार करके दरवाजा का ताला तोड़ दिया गया, और कुछ हमारे जो गार्ड हैं उनको भी चोटें आई हैं। उसके बाद जा करके कलेक्ट्रेट परिसर में जा करके जाकर वहाँ बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।